मुमुक्षु को पूछा जाता सबसे पैटर्न क्वेश्चन क्या है? कैसे भाव? आपको दीक्षा के भाव कैसे हुए? ओके, उसका आंसर तो मैं देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक बात पूछूं, आपको संसार में रहने के भाव कैसे हुए? कोई आंसर है? यस, मेरी बात करती हूँ। यस, मैं भी आप सबकी तरह संसार में रंगीन स्वर्गीय सुख को मानती, आप सबकी तरह ही मुझे भी ये संसार बहुत गमता था, अभी नहीं। बस एक बात कहूँ ना, ऐसा लगता है अगर ये जिन शासन क्या है इसको समझ नहीं पाती ना, शायद मैं आज यहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। ऐसा जिन शासन जिसने मुझे एहसास करवाया कि लक्षिता ये भाव वेस्ट करने जैसा नहीं है। यू आर अ चूसन वन, प्रभु ने आपको सेलेक्ट किया है। फील होता है कभी आप क्यों वो पक्षु नहीं और आप यहाँ क्यों हो? कैन यू आंसर मी? वो डॉगी वो वहाँ क्यों खड़ा और आप क्यों वहाँ खड़े नहीं हो? कुछ आंसर्स है इसके लिए। बस दीन बंधु नाम के एक फ्रीडम फाइटर थे, दारू के नशे में अपने पत्नी को खूब मारा। तब एक संत आए, उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? तो वो कहा माइंड योर ओन बिजनेस, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तू तेरा काम कर। उसने बोला तुम्हें भले भगवान पर विश्वास नहीं है, पर भगवान को जो तुम पर विश्वास है उसका क्या, भगवान की तो दया खा। आई रिपीट, आप सबको भले भगवान पर विश्वास नहीं है, पर भगवान को आप पर विश्वास है उसका क्या? क्या क्यों आपको कोमल बनाया, क्यों आपको डॉगी नहीं बनाया? थिंक अबाउट इट। मेरा भी एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मुझे एक भोमिया मिला, उसने मुझे समझाया दक्षिता 84 लाख जीव योनि में अनंत मनुष्य, अनंत जीव, उसमें इन्फिनाइट में आप सेलेक्टेड बनो, प्रभु ने आपको सेलेक्ट किया है, प्रभु ने चूज किया है, ये लक्षिता मेरा संयम मार्ग ग्रहण करेगी। सोच भी सकते हो प्रभु ने आपको सेलेक्ट किया है, क्यों यहाँ बैठे हो आप लोग? मन होता है अभी आप लोग सब स्टेज में आके बात करो, क्यों नहीं होता इच्छा आपको दीक्षा लेने की? क्यों अब तक संसार अच्छा लगता है? क्या रखा है संसार में? बस प्रभु ने किया और मेरी लाइफ में सडन यूटर्न आ गया, समझ आया तीन भुवन के नाते। तो बस सडन यूटर्न आ गया लाइफ में, मुझे समझ आ गया कि ये लाइफ पेश करने जैसी नहीं है। बस आप सबको भी समझ आ जाए इसलिए आज एक छोटा सा प्रयास करना चाहती हूँ। 27 जनवरी को मेरी दीक्षा है, आज प्रयास करती हूँ आपके हृदय में मैं भाव दीक्षा करा सकूँ, बस और कुछ नहीं है। मुझे परम पूज्य गुणन स्वेदर जी माई सब ने कि सिर्फ कारण से आज मैं यहाँ पे आई हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोग भी जो राइट वे है ना वहाँ पे जाओ। मम्मा है ना, अभी समझो अगर मैं गिर रही होती हूँ तो उस जगह से आप मेरे को लेके जाओगे? नहीं, तो आप सबको मैं गिरते हुए कैसे देख सकती हूँ? कुएं में गिरते उस इंसान को अगर मैं नहीं बचाऊँ तो मैं दयालु नहीं कही जाती, राइट? और मैं सजीव निकाय को त्याग कर रही हूँ तो आप सब तो ऑब्वियस अभी भी रहना है संसार में। कितने जन आ रहे हैं यहाँ पे स्टेज पे? सीट खाली है, उठा देती हूँ मम्मा को भी। अगर आपकी रिंग यहाँ गिरी हो, मैं आपसे सीधे प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, रिंग यहाँ गिरी हो और ढूंढने आप वहाँ जाओ, उसको तो सेंस है मिलने वाली है 100% नहीं, राइट? और कोई पूछे क्यों, तो वहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है, भाई कैसे ढूंढो? अगर आप ऐसा जवाब दो सुपर नहीं मिलेगी नहीं रिंग देखो। वैसे ही सुख अगर स्पिरिचुअलिटी, सुख अगर आध्यात्मिक लेवल में है ना, तो आपको भोग सुख में मिलेगा ही नहीं, भोग में आपको मिलेगा ही नहीं। इट्स हाई टाइम टू गेट रिड ऑफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ, सुख संसार में नहीं है। कितना आप भी तो बोलते हो संसार कालो भाग से, कालो भाग से, क्या लगता है आपको? लगता तो नहीं है, अभी यहीं बैठे हो। जिस तरह आप लोगों ने, मैंने ये गलती की थी भोग सुख में सुख ढूंढने के लिए, बट नहीं, अब समझ आ गया कि सुख स्पिरिचुअलिटी में ही है। बस उसी तरह आप भी समझ जाइए कि स्पिरिचुअलिटी में ही सुख है, आध्यात्मिकता। तो आप सोचो अगर सुख भोग सुख में होता तो क्यों मैं ये सब छोड़ के जा रही हूँ? कमी नहीं है कुछ भी चीज़ की, क्यों छोड़ के जा रही हूँ मैं इसको? थिंक अबाउट इट 100%। अगर मुझे सुख यहाँ मिलता
जो भी सुख आपको मिलता है ना, इट्स ओनली एंड ओनली योर माइंड. देखो अभी मैं एक बात बोलती हूँ, आप नई साड़ी पहन के आए, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बट एक आंटी ने आपको बोल दिया और इतनी मोटी लगे रही है. किसके लिए जी रहे हो, खुद के लिए दूसरों के लिए? भोग सुख तो सुलभ है पशु को, यहाँ जन्म लेकर अजन्मा बनने जो जिया. जन्म उसी ने अपना सफल किया, जन्म उसी ने अपना सफल किया. तो चली, आप सब भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम. ऐसे भी ग्रुप बहुत बड़ा है और बड़ा हो जाएगा. बस यही प्रे करती हूँ, इन भोग सुखों में सच्ची सुख नहीं है. एक समय एक कुछ नया ट्राई कीजिए. अपन सबको क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ नया करना. ट्राई इट, कुछ ना कुछ मिलेगा. स्वाध्याय करो, कुछ नया करो. व्याख्यान में जाओ, कल से व्याख्यान शुरू हो रहा है, कुछ नया ट्राई करो. पक्का कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स मिलेगा. बस यही प्रे कर रही हूँ मैं कि ट्राई योर बेस्ट. इफ यू कैन, आप आ सकते हो. सच्ची बोल रही हूँ, एक बार ट्राई करो मैं सबके पास आने का. सिर्फ ओनली वन टाइम, आई एम नॉट, सिर्फ एक टाइम. अगर आपको सुख नहीं मिला ना तो यू कैन गो, खुला है आपके लिए. बस एक बार ट्राई कीजिएगा. अग्नि लागी छे, वो अग्नि जागी छे, तारा मिलन नी.